शुरुआत सबसे पहले बड़ी खबर के साथ करेंगे। मोदी सरने मामले में राहुल गांधी के खिलाफ आज आरोप तय होने वाले हैं। रांची के पीएमएलए कोर्ट में सुनवाई के बाद आरोप गठन के बिंदु पर आज सुनवाई होगी। बयान दर्ज कराने के लिए राहुल गांधी को कोर्ट आना होगा। 23 अप्रैल 2019 को शिकायत दर्ज की गई थी। अधिवक्ता प्रदीप मोदी ने 30 अप्रैल 2019 को ये मामला दर्ज कराया था, जिसके बाद इस पूरे मामले पर सुनवाई हुई और आज इस पर आरोप तय किए जाएंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर राहुल गांधी से जुड़ी हुई आपको बता रहे हैं। रांची से बड़ी खबर है, जहां मोदी सरने मामले में राहुल गांधी के खिलाफ आरोप तय होने वाले हैं। रांची के पीएमएलए कोर्ट में आज सुनवाई के बाद आरोप गठन के बिंदु पर फिर से सुनवाई होगी। बयान दर्ज कराने के लिए राहुल गांधी को कोर्ट भी आना होगा। आपको बता दें कि ये मामला 2019 का है। 23 अप्रैल 2019 को शिकायत दर्ज कराई गई थी। अधिवक्ता प्रदीप मोदी ने 30 अप्रैल 2019 को ये मामला दर्ज कराया था। तो राहुल गांधी को कोर्ट भी आना है। और आपको अब बताते हैं कि पूरा मामला क्या था। तो 2019 में जनसभा के दौरान राहुल गांधी ने एक भाषण दिया था। उस भाषण के दौरान मोदी सरनेम को लेकर आपत्तिजनक शब्द का इस्तेमाल किया था। बयान को लेकर राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज किया गया और बीजेपी नेता ने यह दर्ज कराया था। और इस वक्त की बड़ी खबर, राहुल गांधी के खिलाफ आज होगी सुनवाई। रांची से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, एमपी एमएलए कोर्ट में आज सुनवाई होने वाली है और आरोप तय किए जाएंगे। अमित शाह पर टिप्पणी मामले में पेशी है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राहुल गांधी को आज पेश होने का समन भी दिया गया है, यानी आज राहुल गांधी को कोर्ट में पेश होना होगा। राहुल गांधी ने अमित शाह को लेकर टिप्पणी की थी, उस मामले में आज एमपी एमएलए कोर्ट में सुनवाई होगी। पिछली सुनवाई में राहुल गांधी को पेश होने के लिए समन जारी हुआ था। अब तक इस मामले में एक अमित शाह जी पर आपत्तिजनक टिप्पणी वाला मामला लंबित है, एक मोदी सर नेम जो सारे मोदी चोर है ये जो स्टेटमेंट दिए थे वो भी मामला लंबित है, और दोनों में अलग अलग स्टेज पर आज सुनवाई के लिए तिथि निर्धारित है। जो अमित शाह जी वाला मामला है, इसमें जो सम्मन इशू किया गया था, दफ्ती सम्मन, जिसे राहुल गांधी के कार्यालय ने लेने से इनकार कर दिया, और आज अपीयरेंस पे है। अगर बेल नहीं लेते हैं तो हमारा प्रेयर ये होगा कि उनके नाम पर NBW इशू किया जाए। और न्यूज 18 संवाददाता संजय सिन्हा अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। संजय, दो मामले हैं, राहुल गांधी ने मोदी सरनेम को लेकर जो टिप्पणी की थी उस मामले में आरोप गठन तय करना है, तो अमित शाह को लेकर टिप्पणी मामले पर सुनवाई होनी है। एक बार आप डिटेल में बताएं कि आज कितने बजे इस पर सुनवाई होगी और क्या लगता है मुश्किलें बढ़ सकती हैं राहुल गांधी की? देखिए, आज दोनों मामले में दोपहर 12 बजे के बाद सुनवाई हो सकती है। देखिए, राहुल गांधी के खिलाफ जो झारखंड में जो एमपी एमएलए कोर्ट है, दो मामले हैं, दोनों ही मामले गंभीर टिप्पणी से जुड़े हैं। एक जो है मोदी सरनेम को लेकर है, दूसरा अमित शाह के खिलाफ गंभीर टिप्पणी को लेकर है। तो कोर्ट ने दोनों ही मामले को गंभीरता से लिया है और दोनों मामलों के शिकायतकर्ता भी अलग अलग है। एक मामले जो मोदी सरनेम का मामला है, वो प्रदीप कुमार मोदी ने उस मामले में शिकायत दर्ज कराई थी निचली कोर्ट में, और जो दूसरा मामला है अमित शाह से जुड़ा मामला है, उस मामले में जो है नवीन कुमार झा ने शिकायत कराई है। तो दोनों ही मामले आज जो है कोर्ट में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध हैं, लगे हुए हैं। और जो अमित शाह से जुड़ा जो मामला है, उस मामले में बता दें कि अभी तक राहुल गांधी या राहुल गांधी की ओर से किसी अधिवक्ता ने कोर्ट में उपस्थित होकर अपना पक्ष नहीं रखा है, लिहाजा अब जो प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता जो आज होंगे, आज ये मांग करेंगे, चाहे तो आज अगली तारीख डेट मिल सकती है कि एक और मौका में राहुल गांधी को पक्ष रखने का मौका मिले, नहीं तो अगर प्रार्थी का अधिवक्ता इस बात की मांग कर सकते हैं कि वारंट इश्यू होने के बाद भी राहुल गांधी या उनके अधिवक्ता की ओर से को पक्ष नहीं रखा गया तो इस मामले में वारंट इश्यू किया जाए। तो जाहिर है कि दोनों मामले आज राहुल गांधी की मुश्किलों को बढ़ा सकते हैं, लेकिन हाँ ये जरूर है कि राहुल गांधी को कोर्ट के समक्ष या अपने अधिवक्ता के माध्यम से पक्ष रखना होगा। जी ठीक है संजय, आप इस खबर पर नजर बनाए रखें, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी।